हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरवीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार। अब हम लोग पहुंच चुके हैं ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 3 में। अगर आप 1 और 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो यहां पे आई बटन में आ रहा होगा, वहां पे क्लिक करके आप देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। तो चलिए हम लोग देखेंगे अभी पहला इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन देखने से पहले हम लोग को जानना चाहिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो दोनों लॉ है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल जो होता है एक प्लेन में होता है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और क्या होता है जी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे दोनों क्या होते हैं, सेम एंगल बनाते हैं। उनको हेल्प से हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। इमेज कैसे बनता है वो बनाएंगे हम लोग। मान लीजिए कि यहाँ पे एक हमारा प्लेन मिरर है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर देख ले हम लोग, ठीक है। तो प्लेन मिरर है, इधर वाला पार्ट क्या है, पेंट किया गया, मतलब इधर से वो पेक किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है अपना, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट का। तो जब भी इमेज बनाना होगा तो हम लोग क्या करते हैं ना, दो रे लेते हैं। एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है, एकदम बेसिक बता रहा हूँ आपको। दो रे लेते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी दो रे ले लो, आप जो आपको जो भी पसंद हो। जैसे मुझे पसंद है कि मैंने एक रे ऐसे ले लिया, ठीक है, और एक रे ऐसे ले लिया, मतलब इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऐसे आई और एक रे ऐसे आई, बहुत अच्छे। तो देखो अब हमें क्या कराना है, रिफ्लेक्शन कराना है। तो अब ये जो रे है ना, ये रे इस पॉइंट पे पड़ी है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप याद करो, हम लोग को रिफ्लेक्ट कराने के लिए जिस पॉइंट पे रे पड़ती है उस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं जी, नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर देते हो। तो हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, बहुत सुंदर भाई, ठीक है। और यहाँ से ये जितना एंगल बन रहा है ये क्या कहलाएगा, आई कहलाएगा, तो उतना ही एंगल बनाया कि इधर की तरफ रिफ्लेक्टेड रे चला जाएगा। तो वही काम आपको यहाँ पे करना है, इस पॉइंट पे गिराना। तो इस पॉइंट पे आप क्या करोगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया और यहाँ से एक ऐसे चला गया, बहुत सुंदर। तो ये जितना एंगल है उतना एंगल ये होगा, ठीक है। अब देखो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, बहुत अच्छा। हमें तो इमेज देखना है ना कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बना, ठीक है। तो आप याद रखो कि इमेज जो होता है हमेशा रिफ्लेक्टेड रे के साथ एसोसिएटेड रहता है। रिफ्लेक्टेड रे रिलेट करता है किसको, इमेज को रिलेट करता है, मतलब अगर हम लोग मिरर के केस में देखें तो, ठीक है, जहाँ पर रे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो रिफ्लेक्टेड। तो अब रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर रिफ्लेक्शन अब देखो तो आगे जा रही है ना, ऐसे ऐसे आगे जा रही है। अभी जहाँ कट करेगी ना वहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अब आप बताओ कि ऐसे जा रही है रे, ऐसे जा रही तो कहाँ कट करेगी, कहीं पे कट करेगी, नहीं कट करेगी भाई साहब। अरे कैसे कट करेगी, कहाँ कट करेगी, नहीं कट करेगी ना। तो ऐसा जब लगे कि हम आगे जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे जैसे जा रही है वैसे जाने से अगर कट नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके पीछे जाएंगे, ठीक है। अब उसके पीछे जाएंगे हम, ऐसे गए और ऐसे गए, आई बात समझ में। तो देखो इस पॉइंट पे कट किया, आई बात समझ में ना। अभी रे कहाँ से आ रही है, अगर कोई इंसान इधर की तरफ होगा तो बोलेगा ये रे जो है ना यहाँ से आ रही है और ये रे जो है ना यहाँ से आ रही है, मतलब ये दोनों पॉइंट से ये दोनों रे ऐसे आ रही हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट कहलाएगा ना, ये क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा इस ऑब्जेक्ट का। बात है समझ में, कैसे बनेगा इमेज मैं बता दूंगा आपको। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ से हम लोग दो रे लिए हैं, दोनों रे को रिफ्लेक्ट करा लिया, और रिफ्लेक्शन के बाद हमने देखा कि आगे जाके ये कहीं कट ही नहीं कर रहा, और अगर आगे जाने पे कट नहीं कर रहा होगा तो उसके पीछे आएंगे, ठीक है। और पीछे आने पे जहाँ पे कट करेगा वो क्या कहलाएगा, उसका इमेज कहलाएगा, बहुत सुंदर। चलिए एक दूसरा एग्जांपल आप करिए, मैं आपको देता हूँ। सेम मिरर है वैसा ही है सब कुछ, और ऑब्जेक्ट भी वही सेम ही है, सेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप इसका इमेज बनाइए, ठीक है, लेकिन आप रे कुछ और लीजिए, जैसा कि मैंने हमने ये दो रे लिया ना, आप कुछ और रे लीजिए, ठीक है, और बनाइए इसका इमेज कहाँ बनता है। देखो मैंने क्या किया कि इसमें मैं ऐसे रे लूँगा, सीधा लिया ऐसे, और दूसरा रे ले लिया ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, ऐसे नॉर्मल डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल डाला। अब देखो इस पॉइंट पर नॉर्मल डालूंगा ना तो संजोग इतना अच्छा है कि ये जो रे है ना नॉर्मली ही आया है, नॉर्मली आया, तो जब नॉर्मली आया तो नॉर्मल तो यही कहलाएगा ना। तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, ऐसे ही चला जाएगा, वो तो रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे चला जाएगा, याद रखना है हम लोगों को। अगर रे नॉर्मली आती है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, नॉर्मली चली जाएगी, सेम टू सेम, क्योंकि ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, जीरो, तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, जीरो, बहुत सुंदर। अब देखो यहाँ पे जितना एंगल बनाया ऐसे चला गया। अब देखो एक रिफ्लेक्टेड तो ये है ना और एक ये वाली है, अब इसको आप लेके जाओगे कहीं कट करेगा, नहीं कट करेगा, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, पीछे जाएंगे,
पीछे जाएंगे, चलो ठीक है पीछे आ गए, इस पॉइंट पे कट करता हुआ हमें लगा। ठीक है, क्या सच में यहाँ कट किया? क्या यहाँ कट किया? नहीं ना, इसके पीछे गए ना हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे कट किया, रे तो ऐसे जा रही है ना। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे क्या है, इमेज है। आई बस में आप और भी कुछ ले सकते हो, इसको आप ट्राई कर सकते हो, पॉज करके देख लो आप। देखो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट वही लिया, मैंने एक रे ऐसे लिया है और यहाँ पे ऐसे नॉर्मल लिया और ऐसे लेके रिफ्लेक्ट करा दिया, और दूसरा रे भी मैंने इधर ही ले लिया। ठीक है, और ये नॉर्मल ड्रॉ किया और ये ऐसे चला गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कट किया ना, देख लो अच्छे से यहाँ कट किया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। आई बात समझ में? तो आपको क्या सीखने को मिला, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो हमने क्या किया, इधर से लाइट दिया, ठीक है, इमेज यहाँ बना, इधर से लाइट दिया इमेज यहाँ बना, इधर से लाइट दिया इमेज यहाँ बना। अच्छा एक एक ध्यान रखना आप, क्या आपने रे अलग अलग लिया है तो क्या इमेज का पोजीशन अलग अलग हुआ है क्या? हाँ हुआ है, हुआ है, पागल हो गया क्या? ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज देखो तो जैसे इसके सामने है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज इसके जस्ट सामने है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इमेज इसके जस्ट सामने है कि नहीं है? क्या सीखने को मिला हम लोगों को कि ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनना है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कौन सा रे ले रहे हो। तो यहाँ से एक और कंक्लूजन निकलता है कि रे आप दो ठो ले रहे हो कि तीन ठो ले रहे हो कि चार ठो ले रहे हो या फिर कौन सा रे ले रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि इमेज जो बनता है पार्टिकुलर दो रे से नहीं बनता है या फिर पार्टिकुलर ये दो रे से नहीं बनता है, इमेज कितने रे से बनता है, इनफिनाइट नंबर ऑफ रेज से बनता है। ठीक है, हम लोग उन इनफिनाइट नंबर ऑफ रेज में से हम लोग दो रे ले रहे हैं। आई बात समझ में? तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। अगर ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रखता, अगर ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रखता तो इमेज जस्ट इसके सामने बनता, ऑब्जेक्ट को इसमें मैं अगर इधर रखता तो जस्ट इसके सामने बनता। बात आई समझ में? बहुत अच्छे, इसको पॉज कर लो ठीक है और लिख लो। तो हमने सीखा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इमेज जस्ट उसके सामने बनेगा। ठीक है, आप कौन सा रे ले रहे हो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा। बहुत सुंदर, जैसे मान लो ये एक मिरर है और मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिया है, ठीक है, तो जस्ट इसके सामने यहाँ पर ये एक पोजिशन है आई वन का और एक जस्ट इसके सामने यहाँ पर, ठीक है, ये आई टू है। बताओ तो कौन सा पोजीशन है इमेज का, कौन सा सही है, आई वन और आई टू? पॉज करके सोच लो, तो क्या सही है? आई टू सही है, आई वन क्या है, गलत है। अरे मिरर ऐसे है ना, तो इसका सामने तो ये हुआ ना, ठीक है ना, हमने क्या बोला था, हमने तो ऐसे ड्रॉ किया था ना, हमने एक मिरर ऐसे ड्रॉ किया था और ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, तो इसका सामने का मतलब ऐसे परपेंडिकुलर लाइन है ना, परपेंडिकुलर लाइन में होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इसका सामने इमेज यहाँ पे है, इसका में प्रांत क्या हो जाएगा, इसका निकल जाएगा। आई बस समझ में ना? बहुत अच्छे, तो ये पोजीशन इसका सही पोजीशन है। ठीक है, बहुत सुंदर, लिख लो आप इसको। तुम लोग नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इसमें एक पॉइंट लिख लेते हैं, इन इन द रे ऑप्टिक्स द टर्म ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर नॉट रिलेटेड विद फिजिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हम लोग रे ऑप्टिक्स में बात करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है ये इमेज है, तो हम लोग दिमाग में स्ट्राइक करता है कि वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, है ना, ये ऑब्जेक्ट इमेज फिजिकल ऑब्जेक्ट इमेज फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट नहीं करते हैं। तो ये है क्या, तो ऑब्जेक्ट और इमेज जो है ना, ये ऑब्जेक्ट और इमेज जो है ये पॉइंट्स का क्या होता है, नाम होता है। रे ऑप्टिक्स में हम लोग किसी पॉइंट का नाम रखते हैं ये ऑब्जेक्ट है, किसी पॉइंट का हम नाम रखते हैं ये इमेज है। हालांकि एक कभी कभी क्या होता है कि रियल ऑब्जेक्ट होता ही है, ठीक है ना, रियल ऑब्जेक्ट का इमेज होता है, लेकिन हर टाइम अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है इसके लिए, तो वो ऑब्जेक्ट कोई जरूरी नहीं कि सच में वो फिजिकल ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना, सारी बातें अभी क्लियर होंगी हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे। तो हमें समझना है कि ऑब्जेक्ट इमेज क्या है, किसी पॉइंट का नाम है। तो ऑब्जेक्ट इमेज का अब हम लोग क्या देखेंगे, नेचर देखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट इमेज का नेचर मतलब कैसे कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं जी, तो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं और एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, वैसे रियल इमेज होता है और एक
वर्चुअल इमेज होता है। तो ये कब होंगे, कैसे होंगे, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप इसको पॉज करके लिख लीजिए। तो मान लीजिए मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऐसा करते हैं इस पर रे लेके जाते हैं। ये दोनों क्या है, इंसिडेंट रे है। ठीक है, तो आप एक कॉन्सेप्ट आप समझ जाओ कि अगर आप इंसिडेंट रे के साथ कोई कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, इंसिडेंट रे के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, आपको मैं बता दूंगा कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। और रिफ्लेक्टेड रे या फिर रिफ्रेक्टेड रे के साथ कॉन्सेप्ट लगाओगे तो क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा। बहुत सुंदर। ठीक है, अरे मैंने यहाँ पे रिफ्रेक्टेड क्यों लिखा, रिफ्रेक्टेड मतलब आगे चल के हम लोग को मिलेगा ना, जब लेंस वेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो होगी ना रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वहाँ पे क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है ना, आर पार जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने रिफ्रेक्टेड भी लिया। और इन दोनों शब्द को हम एक शब्द में कह सकते हैं कि रे ऑप्टिकल एलिमेंट से टकराने के बाद जो आएगी, ऑप्टिकल एलिमेंट का मतलब लेंस, मिरर, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, ऑप्टिकल एलिमेंट कहलाती है। तो ऑप्टिकल एलिमेंट से टकराने के बाद जो रे आ रही होंगी उसके साथ कंसेप्ट लगाओगे तो आपको इमेज मिलेगा। और ऑप्टिकल एलिमेंट से पहले जो रे होगी, ऑप्टिकल एलिमेंट से पहले रे क्या कहलाएगी, इंसिडेंट कहलाएगी, है ना। तो इंसिडेंट के साथ लगाओगे तो क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। बहुत बढ़िया, तो ये रहा इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे के आप आगे जाओगे, ठीक है, तो कट करेगा, नहीं करेगा। अरे इंसिडेंट रे के आगे क्यों जाएंगे, हमें तो देखना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है कि नहीं। तो देखो रे कहाँ से आ रही होगी, ऑब्जेक्ट के यहाँ से आ रही होगी। ठीक है, तो इंसिडेंट रे यहाँ पे हमें मिली, अब इसके हम पीछे जाएंगे। ठीक है, इसके हम पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे और यहाँ पे सच में कट कर गया, यहाँ पे तो सच में कट कर गया ना, मतलब रे यहीं से आ रही थी। रियलिटी है कि ये रे यहीं से आ रही थी। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और क्योंकि ये रे सच में यहीं से आ रही थी, तो सच में आ रही थी इसका मतलब कैसा ऑब्जेक्ट है, ये रियल ऑब्जेक्ट है। आई बस में, चलिए अब इसके इमेज बना लेते हैं, इसका इमेज बनाते हैं। तो इमेज बनाने के लिए हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है, ऐसे गया, यहाँ से ऐसे गया, मुझे पता है कि इसका इमेज क्या होगा, जैसे इसके सामने होगा तो ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये क्या कहलाया, इमेज कहलाया इसका। ठीक है, अब देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन रे जहाँ कट करती हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इमेज कहते हैं। रिफ्लेक्शन के बाद रे जहाँ कट करती हैं उसको हम लोग इमेज कहते हैं। और कैसा इमेज कहते हैं जी, तो देखिए रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे जा रहा है ना, ये कहीं कट करेगा क्या, नहीं कट करेगा। तो जब रे नहीं कट करता है आगे जाने पे, तो हम लोग क्या करते हैं, पीछे आके कट कराते हैं, जैसा कि अपनों आपको मैंने बताया इमेज फॉर्मेशन में। ठीक है, तो आगे जाके कहीं नहीं कट कर रहा, तो हम पीछे आके कट कराए यहाँ पे। तो ऐसा लग रहा है कि ये दो ये जो दोनों रे हैं, ये वाला रे और ये वाला रे, ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से आ रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा अपीयर हो रहा है कि दीज रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, बट इट इज़ नॉट रियलिटी ना। क्या ये दोनों रे यहाँ इस पॉइंट से आ रही हैं, नहीं। अरे ये रे तो यहीं पे टकरा के, ये वाली रे यहाँ टकराई तो यहाँ से निकल ली, ये वाली रे भी यहीं से आ रही है, यहाँ से नहीं आ रही है, ऐसा तो हम सोच रहे हैं। तो ये है तो इमेज, लेकिन कैसा है इमेज बताओ, वर्चुअल इमेज। बहुत सुंदर, ये कैसा है, वर्चुअल इमेज है। कॉन्सेप्ट क्या आया कि रिफ्लेक्शन के बाद आगे जाएंगे, और आगे जाएंगे अगर रे नहीं कट कर रहा होगा तो उसके पीछे आके देखेंगे हमारा लाइन कहाँ पे कट कर रहा है, वो इमेज कहलाएगा। और कैसा इमेज कहलाएगा, वर्चुअल। और रिफ्लेक्शन के बाद उसके आगे ही जाएंगे, और आगे जाते जाते अगर कट कर गया तो कैसा इमेज, रियल इमेज। बात आई समझे ना। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, इसको लिख लीजिए। देखिए मिरर, ये ऑब्जेक्ट, चलिए नहीं ये तो सेम हो जाएगा ना, चलो ठीक है। ऐसे में रे लिया, एक ऐसे रे आ रहा होगा, कहीं से आ रहा होगा, कहीं से आ रहा होगा रे, हमें नहीं पता कहाँ से आ रहा है, कहीं से आ रहा होगा, इन्फिनिटी से आ रहा होगा कहीं से, है ना। अब देखो तो इंसिडेंट रे के साथ जब हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो क्या मिलता है बताओ, ऑब्जेक्ट मिलता है। तो हमारा इंसिडेंट रे तो यही है ना, तो चलो इंसिडेंट के पीछे, इंसिडेंट के पीछे जा रहे, कहीं कट करेगा,
नहीं करेगा। देखो यहाँ पे इंसिडेंट के पीछे गए तो सच में कट कर गया था ना। इंसिडेंट के साथ जब कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है, और सच में कट करता है तो कैसा ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। अब इसके पीछे जाएंगे, नहीं कट किया तो क्या करेंगे, देखो तो इसमें भी हम लोग ऐसे गए तो कट किया था तो हम लोग पीछे करा लिए थे ना, वैसे ही इसमें जा रहे तो नहीं कट करा तो इसके इधर की तरफ कट करा लेंगे, तो देखो ऐसा लगेगा कि ये यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। तो ये हुआ क्या, अच्छा ये वाला काम हम किसके साथ किए हैं, इंसिडेंट के साथ किए हैं ना, तो ये कहलाएगा कैसा, ये तो ऑब्जेक्ट कहलाएगा ना, ये तो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट, क्या ये कट किया है सच में, नहीं किया है, इसलिए कैसा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में, चलिए अब यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्शन कराएंगे नॉर्मल ड्रॉ करके। तो रिफ्लेक्शन ये नॉर्मल हुआ तो इतना एंगल बनाया ऐसे और ऐसे, रे ऐसे आई, ठीक है। अच्छा ये ऑब्जेक्ट है तो इसके जो सामने ही तो बनेगा ना इमेज, देख लो अच्छे से, ये ऑब्जेक्ट है तो इसके सामने ही तो इमेज बनेगा, मैंने तो बताया ना, मैंने ऐसा थोड़ी बोला था कि रियल ऑब्जेक्ट के सामने रियल इमेज बनेगा, ऐसा तो नहीं बोला था ना, मैंने बोला था कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट के जस्ट सामने क्या बनेगा, उसका इमेज बनेगा, बहुत सुंदर। तो यहाँ पे इमेज बना, अब देखो मैंने इमेज के लिए, इमेज का नेचर जानने के लिए हमने क्या बोला कि रिफ्लेक्टेड रे जैसे जा रही है वैसे जाएंगे, और अगर कट कर रहा होगा सच में तो रियल इमेज, तो देखो तो जैसे रिफ्लेक्टेड रे जा रही है वैसे जाओ, और कट कर गया ना सच में तो ये तो कैसा इमेज, रियल इमेज, सच में कट किया ना तो कहलाएगा क्या, रियल इमेज कहलाएगा। बात आ गई समझ में, बहुत सुंदर, ठीक है। आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ये तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाया ना, ठीक है। देखो कंक्लूजन कुछ देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमने रियल ऑब्जेक्ट लिया था तो इमेज कैसा मिला, वर्चुअल इमेज मिला है ना, और यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट मिला था तो इमेज कैसा मिला, रियल इमेज है ना। ये हमेशा सही है, प्लेन मिरर में रियल ऑब्जेक्ट का इमेज वर्चुअल होता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज रियल होता है। आई बात समझ में, बहुत अच्छे, ठीक है। आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और ये लेंस है ना, लेंस हम लोग को बहुत अच्छे से लेंस में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। जैसे हम लोग को ऑब्जेक्ट और इमेज का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमने एक लेंस लिया है, और इस लेंस को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, है ना। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब ये होता है कि इस पे जब रे पड़ेगी तो क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। कन्वर्ज करने मतलब रे ऐसे जा रही थी थोड़ा ऐसे कर देगा, ठीक है। तो देखो ऐसे रे जा रही है तो इसने क्या किया कि यहाँ पे ऐसे ऐसे कन्वर्ज कराइए, ठीक है, ऐसे कन्वर्ज कर दिया ऐसे, ये क्या हुआ, इसका इमेज हुआ। देखो तो इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे, और इसको क्या हम लोग रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, नहीं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है। तो वही बात है इसमें, ठीक है। अब देखो हमें पता करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है रियल ऑब्जेक्ट है कि वर्चुअल है। तो इंसिडेंट रे के आप पीछे जाओ और सच में कट कर गया ना तो कैसा हुआ बताओ, रियल ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। अच्छा अब हमें इसमें रिफ्लेक्टेड रे नहीं देखना, हम लोग क्या देखना है, इसमें रिफ्रैक्टेड रे देखना है ना। तो रिफ्रैक्टेड रे जैसे गई है वैसे गए, ये सच में कट किया ना तो इमेज हुआ, सच में कट किया इसलिए कैसा इमेज, बोलो 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 कैसा इमेज, रियल इमेज है ना, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लो यही लेंस है, सेम लेंस है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसका इसका इमेज यहाँ पर बना, ठीक है, बहुत सुंदर। ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इमेज इसका बन गया, ये इमेज, और हमें पता है कि कैसा बना है जी, रियल इमेज बना है, और ये ऑब्जेक्ट कैसा था, रियल ऑब्जेक्ट था, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक लेंस लिया, यहाँ पर एक मैंने लेंस लिया, कैसा लेंस लिया जी, यहाँ पर मैंने लेंस लिया है, ऐसे लेंस को बोलते हैं हम लोग डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब क्या हुआ कि इस पे जब रे पड़ती है तो ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है, मतलब जब ऐसे रे जा रही थी ना तो थोड़ा सा ऐसे डाइवर्ज कर देगा, ठीक है, डाइवर्ज करेगा। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से इस पे पड़ेगी रे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे रे पड़ेगी ना, और इससे इस पे पड़ेगी रे, ठीक है। अब देखो इस लेंस के लिए ये वाला रे क्या कहलाएगा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट कहलाएगा ना। देखो इसके लिए जो दोनों रे था ना, ये क्या था, रिफ्रैक्टेड था, लेकिन इस लेंस के लिए ये दोनों क्या था, इंसिडेंट रे था, बहुत सुंदर इंसिडेंट रे था ये तो, ठीक है। अब देखो इसको जाना चाहिए ऐसे, इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन ये क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा,
है ना, ये क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। तो ये हो जाएगा कैसे, ये हो जाएगा ऐसे और ये हो जाएगा ऐसे, डाइवर्ज किया ना, आई बात समझ में, देखो ऐसे डाइवर्ज कर दिया है ना, ऐसे डाइवर्ज कर दिया, ये जा रहा था ऐसे, मतलब इसको जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है, लेकिन ये अब ऐसे हो गया, ठीक है ना। अब देखो तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ पे कट करेगा, ये दोनों रिफ्रैक्टर रेज कहीं पे कट करेगा क्या, नहीं करेगा। तो जब कट नहीं करता तो क्या करते, पीछे आके कट कराते। हमने मिरर में भी आपको बताया कि जब रिफ्रैक्ट होके चाहे रिफ्लेक्ट होके आगे जा रहे हैं, उधर नहीं कट कर रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, पीछे आके कट कराते। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे जी, आके इधर पीछे आके इसको कट करा लेंगे, आई बात समझ में ना यहाँ पे। अब देखो ये जो हमने काम किया है, ये वाला जो किया है, किसके साथ किया है, इंसिडेंट के साथ किया है या फिर रिफ्रैक्टेड के साथ किया है, रिफ्रैक्टेड के साथ किया है। तो हमने बोला कि जब रिफ्रैक्टेड रे या फिर रिफ्लेक्टेड रे के साथ काम करोगे तो वो जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा जी, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। और ये सच में कट किया है क्या, नहीं कट किया है, हमने तो पीछे लेके आया ना, ये तो कट ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है ना, तो कट कर ही नहीं रहा, तो हमने पीछे किया है, तो इसलिए कैसे कहलाएगा, वर्चुअल इमेज कहलाएगा। मेरी बात समझ आई क्या? तो मान लो आप, ये है पॉइंट वन, ये है पॉइंट टू और ये है पॉइंट थ्री, और ये लेंस वन है और ये वाला लेंस टू है। मैं लिखूं कि फॉर एल वन, फॉर एल वन पॉइंट वन क्या है, तो रियल ऑब्जेक्ट है, आई बात समझ में। फॉर एल वन ओनली पॉइंट टू क्या है, तो क्या है, रियल इमेज है, ठीक है। फॉर एल टू पॉइंट टू क्या है, बताओ पॉइंट टू क्या है, ये तो इस ये जो रे थी, ये वाली रे है ना, ये तो इंसिडेंट थी ना इसके लिए, और इंसिडेंट के आप पीछे जा रहे हो तो यहाँ पे कट कर जा रहा है ना, इंसिडेंट के पीछे आप जा रहे हो तो यहाँ पे कट कर जा रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट होगा, और कैसा ऑब्जेक्ट होगा, रियल ऑब्जेक्ट होगा, समझ में आया। तो ये क्या कहलाएगा, रियल ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट थ्री क्या है इसके लिए जी, फॉर एल टू के लिए पॉइंट थ्री क्या है, इमेज है, और ये इमेज कैसा है बताओ, ठीक है, इमेज कैसा है, वर्चुअल इमेज है, आई बात समझ में ना। तो कोई भी चीज़ें फिक्स हैं क्या, हमने प्लेन मिरर में क्या देखा कि रियल ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा था, वर्चुअल था, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा था, रियल था, मेरी बात समझ में आई ना। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को कि रियल ऑब्जेक्ट का इमेज रियल हो गया है ना, यहाँ पे देखो तो रियल ऑब्जेक्ट का इमेज रियल हो गया, लेकिन यहाँ पर देखो तो रियल ऑब्जेक्ट का इमेज वर्चुअल हो गया, ठीक है ना। अच्छा एक और बात यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आई, वो क्या आई जी, कि जो पॉइंट टू था ना, ये जो पॉइंट टू था, ये पॉइंट एल वन के लिए क्या था, रियल इमेज था, और फॉर एल टू लेंस के लिए क्या था, पॉइंट टू रियल ऑब्जेक्ट था। क्या कंक्लूजन होगा कि कोई भी पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ना कि ऑप्टिक्स में रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, दीज आर द नेम ऑफ द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स के क्या होते हैं, नेम होते हैं। देखो तो ये पॉइंट टू है ना, इस पॉइंट टू का नाम फॉर एल वन लेंस क्या है, रियल इमेज, पॉइंट टू का नाम फॉर एल टू लेंस क्या है, रियल ऑब्जेक्ट, बात आई समझ में ना। हाँ कहने का मतलब कि रियल रियल ऑब्जेक्ट का इमेज रियल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द ऑप्टिकल एलिमेंट, आप कैसा ऑप्टिकल एलिमेंट ले रहे हो, ठीक है ना। रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज हो सकता है अगर क्या होगा, मिरर होगा तो, लेकिन देखो रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज हो गया अगर क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है तो, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो रियल ऑब्जेक्ट था ना, रियल ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा हुआ, वर्चुअल हो गया, यहाँ पे क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। तो कुछ भी चीज़ें फिक्स हैं क्या, रियल का वर्चुअल हो सकता है, वर्चुअल का रियल हो सकता है, रियल का रियल हो सकता है, वर्चुअल का वर्चुअल हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द ऑप्टिकल एलिमेंट्स, ठीक है ना। और कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है कि इमेज है, वो भी डिपेंड करता है आप किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो, ऐसा नहीं कि पॉइंट टू इमेज है तो ये इमेज ही है, अरे भैया पॉइंट टू इमेज है मैं मानता हूँ, लेकिन फॉर एल वन, ये एल टू के लिए क्या है, एल टू के लिए देखो क्या है, ऑब्जेक्ट है वो। तो मेरी बात समझ, सारी बातें कुछ भी हो सकता है ना। तो आप इसको पॉज करके लिख लो और फिर उसके बाद क्या लिख लो, कंक्लूजन लिख लो, स्क्रीन पे आ रहा होगा।
तो कंक्लूजन लिख लीजिए, बोथ वर्चुअल एंड रियल इमेज कैन बी फाउंड बाय आइदर रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्टिकल एलिमेंट, जो कि हम लोग समझ चुके हैं. सेम ऑब्जेक्ट कैन बी रियल ऑब्जेक्ट इन वन सेटअप एंड वर्चुअल इन डिफरेंट सेटअप. सेकेंडली, सेम पॉइंट कैन बी इमेज फॉर वन एलिमेंट वाइल एन ऑब्जेक्ट फॉर अनदर वन. ठीक है, चलिए पॉज करके लिख लीजिए इसको. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग. जैसे मान लो यहाँ पर एक मिरर है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, बताओ इसका इमेज कहाँ बनेगा, है ना? मिरर यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, बताओ इसका इमेज कहाँ बनेगा? बोलोगे इमेज बनेगा ही नहीं. अरे इमेज तो बनेगा ना, इमेज तो बनेगा ही. ऐसे केसेस में आप देख लो, दो रे ले लो, ऐसे ऐसे ले लिया और ऐसे ले लिया और ऐसे ले लो, आप करा लो रिफ्लेक्शन, थोड़ा ऐसे होगा ना. तो यहाँ पे कट किया ये, ठीक है. तो ये क्या हुआ, इमेज हुआ, और ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ. ठीक है, देखो इस केस में भी तो क्या हुआ, इसके सामने हुआ ना. कहने का मतलब ये है कि जब ऑब्जेक्ट हो और उसके सामने अगर मिरर ना रहे, ऑब्जेक्ट हो और उसके सामने मिरर ना रहे, तो हम लोग मिरर क्या करेंगे ना, एक्सटेंड कर लेंगे, और एक्सटेंड करके ऐसे उसके सामने में इमेज बना देंगे. सिंपल. देखो तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट के सामने मिरर है, नहीं है ना, तो क्या करेंगे, मिरर को ऐसे एक्सटेंड कर लेंगे और जस्ट इसके सामने ऐसे इमेज बना देंगे. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, इमेज है. ठीक है, पॉज कर लो. एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो इसका इमेज कैसे बनाएंगे? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो आप ऐसे हैं, एरो है एक, ठीक है, एक्सटेंडेड. तो ऐसे करते हैं, देखो ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट का इमेज कहाँ बनेगा, इसके जस्ट सामने बनेगा, यहाँ पे बना दिया. ये पॉइंट होगा, इसका भी यहाँ बनेगा. ठीक है, ये पॉइंट होगा जैसे यहाँ बन रहा होगा, ये पॉइंट होगा जस्ट इस पॉइंट के इधर बन रहा होगा, है ना. देखो तो ऐसे मिला देना, सिंपल सी बात है. ये क्या हो जाएगा, इसका इमेज हो जाएगा. आई बात समझना. तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का अगर मान लो ये वाला पॉइंट वन है और ये वाला पॉइंट टू है, तो वन का इमेज कहाँ बनेगा, ये होगा ना वन का, तो इसके जस्ट, है ना, ये वन होगा और टू वाला इधर होगा. तो फर्क क्या पड़ा, इसमें टू क्या था, लेफ्ट में था और वन राइट में था, और इसमें देखो तो वन लेफ्ट में आ गया और टू राइट में आ गया, मतलब साइड चेंज हो जाता है. इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन कहते हैं हम लोग. ठीक है ना, ऐसे होने से हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल. मतलब मिरर में क्या होगा, सब कुछ सेम बनेगा, बस लेफ्ट वाला राइट में हो जाएगा और राइट वाला लेफ्ट में आ जाएगा. ठीक है, जैसे मान लो एफ है, एफ लिखा हुआ, ठीक है, इसका इमेज अगर बनाना है तो एफ टाइप ही बनेगा, लेकिन ये राइट की तरफ देख रहा है ना, तो उसमें क्या देखेगा, लेफ्ट की तरफ, मतलब ऐसा देखेगा, ये होगा एफ का इमेज. ठीक है, ओके, पॉज करो, लिखो. तो क्वेश्चन ये है कि एक्स एक्सिस है ये और ये वाई एक्सिस है, और ये मिरर है 30 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और ऑब्जेक्ट है ओरिजिन से 4 मीटर के डिस्टेंस पर. तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं पे बन रहा होगा, ठीक है, वो बताना है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होगा. जैसा कि हम जानते हैं, जैसे ये मान लो आपका मिरर है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और ऐसे हम लोग इमेज बनाते थे, इसका इमेज यहाँ पे होगा, जस्ट सामने होता है और वर्चुअल होता है, क्योंकि ये तो ऐसे जाएगी. ठीक है, तो देखो तो ये वाला एंगल क्या है, सेम है. ठीक है, अब ये देखो एंगल और ये वाला, सिमिलरली ये एंगल क्या होगा, सेम होगा, ये एंगल भी सेम होगा. ठीक है, तो ये एंगल सेम है और ये एंगल भी सेम है. ठीक है, तो इसके सामने वाला साइड ये हुआ ना, और इसके सामने वाला साइड ये हुआ, मतलब ये साइड और ये साइड क्या होगा, सेम होगा. तो ये तो क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, और ये क्या है, इमेज डिस्टेंस है. कहाँ से, मिरर से. ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूरी पर है, इमेज भी मिरर से उतनी ही दूरी पर है. ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो कि मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर क्या होता है, सेम होता है. तो अगर हमें निकल जाए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है मिरर से, तो वही क्या होगा, इमेज डिस्टेंस होगा, फिर टू टाइम्स कर देंगे. ठीक है, सिंपल सी बात है. ठीक है, तो देख लो आप, यही है ऑब्जेक्ट, सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया है. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना, इसमें क्या था, ये मिरर था ना, तो परपेंडिकुलर लेना है ना जी. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हम लोग क्या करेंगे, मिरर वैसे परपेंडिकुलर डालेंगे. ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन है. अब देखो 30 डिग्री है ना, ये 4 है ना,
तो आप लगा सकते हो ना, कंपोनेंट निकाल सकते हो ना, ये 4 cos 30 होगा और ये वाला क्या होगा, 4 sin 30 होगा, 4 sin 30 होगा। तो ये क्या हो गया, 4 इंटू 1/2 कितना आ गया, 2 मीटर। मतलब ऑब्जेक्ट जो है 2 मीटर इधर की तरफ है, ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, तो इमेज भी कहाँ पे होगा, जस्ट इसके सामने होता है ना, इमेज यहाँ पे होगा और ये भी क्या होगा, 2 मीटर होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये 2 मीटर है और यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ किया तो ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, और 2 मीटर के सामने का साइड क्या है, एंगल क्या है, 30 डिग्री। इसका मतलब ये भी क्या होगा, 30 डिग्री। एक और कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, कि अगर मिरर से हम ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर दें या फिर मिरर से इमेज को ज्वाइन कर देंगे, जिस तरह से डिस्टेंस सेम होता है वैसे ही एंगल भी सेम होता है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या हो जाएगा, 2 + 2 = 4 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, पॉज करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमारे पास मिरर है और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है ना, बढ़िया, और ऑब्जेक्ट जो है ना यहाँ पर है। ठीक है, अब हमें बताना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज क्या होगा, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज बताना है। इमेज का पोजीशन पता चल जाए तो हम लोग उसका कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। देखो मैंने अभी बताया था ना, कुछ देर पहले बताया था कि अगर मिरर के सामने ऑब्जेक्ट ना रहे तो हम लोग क्या करते हैं जी, मिरर को एक्सटेंड कर लेते हैं। तो देखो तो मिरर तो यहीं तक है ना, ऑब्जेक्ट तो इधर है, ऑब्जेक्ट सामने है नहीं है, तो मिरर को आप ऐसा करो एक्सटेंड कर लो, ऐसे ऐसे हमने एक्सटेंड कर लिया। अब मुझे पता है कि इससे परपेंडिकुलर बनाएगा ऐसे, है ना, तो जब परपेंडिकुलर बनाएगा तो देखो तो ये सब एंगल के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो इस यहाँ पे क्या होगा, इमेज होगा। कहने का मतलब ये है कि ये वाई एक्सिस पे इमेज आया तो डेफिनेटली एक्स एक्सिस का क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और ये दूरी कितना है, ए है ना, तो ये दूरी भी कितनी होगी, ए होगी। इसका मतलब इसका अब कोऑर्डिनेट लिखना है तो ए दूरी है ना, तो नीचे है ना, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा, माइनस ए, 0, -a। ठीक है, और आपको एक सिंपल चीज़ बता दूँ, अगर मिरर 45 डिग्री बना रहा ना एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, अगर मिरर 45 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट जो भी रहेगा, इमेज का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज कर देंगे। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो ऐसा ही एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लो आप। मान लो कि मिरर ऐसे है, मिरर ऐसे है, ठीक है, बहुत बढ़िया, और ऑब्जेक्ट ना ऐसे है, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, और यहाँ भी क्या बना रहा है, 45 बना रहा है। आप इसको पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे देख लो, सिंगल सिंगल पॉइंट का आप बना लो इमेज, पॉइंट ए का इमेज क्या होगा, पॉइंट ए का इमेज देखो, इसको एक्सटेंड करो ऐसे, तो पॉइंट ए का इमेज कहाँ पर होगा जी, यहाँ पर हो जाएगा, और पॉइंट बी का इमेज कहाँ होगा, तो पॉइंट बी का इमेज यहाँ पे होगा। तो इन सारे पॉइंट्स का इमेज तो ए और बी के बीच में ही होगा ना, तो ये हो गया, दिस इज द इमेज ऑफ ए बी लाइन, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। कहने का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल में रहेगा ऑब्जेक्ट तो ये हो जाएगा इमेज वर्टिकल में, अगर ऑब्जेक्ट वर्टिकल रहता तो इमेज हॉरिजॉन्टल हो जाता। ठीक है, चलो इसको भी पॉज करके आप छाप सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए इसको, क्वेश्चन को लिख लीजिए, पॉज करके फिर आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलिए देखिए सॉल्यूशन, देखिए क्वेश्चन बोला कि एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, रिफ्लेक्शन बाहर से हो सकता है और इसका रेडियस क्या है, आर है। बोला कि इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट बताइए, है ना, ताकि ये रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाए, वर्टिकल हो जाए। ठीक है ना, रेज इनिशियली कैसे आ रही हैं, हॉरिजॉन्टल आ रही हैं, बहुत बढ़िया। तो देख लो वर्टिकल होने के लिए, कहने का मतलब ये है कि वर्टिकल होने के लिए यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे हमें रिफ्लेक्शन कराना है ना, तो इस पॉइंट पे सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। और मैं आपको रिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में आपको नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए बताया था, कर्व सरफेस पे कैसे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हम लोग कर्व में क्या करते हैं जी, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर उस पर परपेंडिकुलर डालते हैं। तो देखो ये सर्कल है ना, तो सर्कल है तो नॉर्मल तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, आप सीधे इसको सेंटर से मिला दो, अगर कोई भी लाइन सेंटर से जाती है
और सर्कल के पॉइंट पर कट करते हो, क्या कहलाता है? नॉर्मल कहलाता है। ठीक है, अब देखो इस रे को कैसे होना पड़ेगा वर्टिकल रिफ्लेक्शन के बाद, रे को कैसे होना पड़ेगा वर्टिकल रिफ्लेक्शन के बाद। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वाला क्या है वर्टिकल है, तो डेफिनेटली ये एंगल और ये एंगल कितना होना पड़ेगा 45 45, है कि नहीं? ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होना पड़ेगा जी 45 45, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड, है ना? इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल 45 45। अब देखो ये 45 है तो ये भी क्या है 45, है कि नहीं? अब हमें पता चल गया इस पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो क्या? कैसे निकालोगे? देखो ये डिस्टेंस क्या है, ये वाला क्या है आर है, तो आप इसका कोऑर्डिनेट लिख दो। ये जो हाइट क्या होगा वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगा और ये वाला क्या कहलाएगा एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो ये आर है, ये वाला क्या है आर है, तो ये क्या होगा आर कॉस थीटा होगा, मतलब आर कॉस 45, और ये वाला क्या होगा मेरा बाबू आर साइन 45, है ना? तो क्या हो गया जी बताना, एक्स कोऑर्डिनेट जो हुआ कितना, एक्स कोऑर्डिनेट तो निगेटिव होगा ना, माइनस आर बाई रूट टू कॉस 45 का वैल्यू, और वाई कोऑर्डिनेट तो ऊपर है ना पॉजिटिव होगा, मतलब आर बाई वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा प्लस आर बाई रूट टू। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा जी माइनस आर बाई रूट टू प्लस आर बाई रूट टू। पॉज करके सॉल्यूशन लिख लो। तो ये हॉरिजॉन्टल है और ये रिफ्लेक्शन बाद क्या हो जाना चाहिए वर्टिकल हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब इस टेंजेंट पे क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये लाइन और ये लाइन क्या है परपेंडिकुलर है, ये क्या है वर्टिकल है। ठीक है, अब ये वर्टिकल है तो ये एंगल और ये एंगल क्योंकि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रे और ये क्या है इंसिडेंट रे, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए दोनों सेम होना चाहिए। अब दोनों सेम होना चाहिए। अब देखो ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल कितना है 90 है ना, और ये आधा आधा पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला 45 होगा और ये भी क्या होगा 45 होगा। अब ये 45 होगा तो डेफिनेटली देखो तो क्या ये भी 45 होगा, क्योंकि ये 45 हो गया, तो क्या ये भी 45 होगा क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है परपेंडिकुलर है। तो अगर ये 45 हो गया तो ये भी क्या होगा 45 होगा। बात है समझ में? अब ये 45 हो गया तो हम कह सकते हैं कि जो टेंजेंट पे सॉरी ये पैराबोला पे जो टेंजेंट है ना वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 45 बना रहा है। तो टेंजेंट अगर पैराबोला का जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस के साथ 45 एंगल बना रहा है ठीक है, तो इसका स्लोप हम क्या कह सकते हैं, अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है तो उसका स्लोप हम कैसे लिखते हैं बताओ, स्लोप क्या लिखते हैं, स्लोप टेन थीटा होता है ना, स्लोप उसका क्या हो जाता है टेन थीटा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि टेन 45 इज स्लोप दैट इज व्हाट 1। इसका हमें क्या पता चल गया स्लोप पता चल गया, और इसका हमें इक्वेशन पता है ना, इसका इक्वेशन क्या पता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। तो स्लोप को तो हम ऐसे भी तो डिनोट करते हैं ना डी वाई बाई डी एक्स, मतलब हमें स्लोप पता चल गया ठीक है 1 दैट इज डी वाई बाई डी एक्स हमें पता चल गया। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स पता चल गया हम लोगों को, तो आप ऐसा करो डी वाई बाई डी एक्स यहां से निकाल लो आप वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, सो टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा 1 होगा। ठीक है, एक्स का डिफरेंशिएशन तो लिख लो फिर वाई टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स कितना आया 1 इक्वल्स टू 1, सो वाई कितना आया जी 1 बाई टू आया। अब इस वाई को आप इस इक्वेशन में रख दो इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में 1 बाई टू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखा x, तो x कितना आ गया 1 बाई फोर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया जी कोऑर्डिनेट का 1 बाई फोर कमा 1 बाई टू। ठीक है, 1 बाई फोर कमा 1 बाई टू ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, लिख लो पॉज करके। तो लेक्चर 3 हम लोग का यहाँ पे एंड होता है। आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, उसका नोट्स आप अच्छे से बना लीजिए, रिवाइज कर लीजिए अच्छे से सारे लेक्चर्स। ठीक है, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए अच्छे से। अगर कोई भी इसमें डाउट हो तो आप हमारे फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर सकते हैं और अपना उस पर डाउट पोस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में।